हमारे लिए भी है, अध्यापकों के लिए भी है, स्टाफ के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी। उनमें दो बातें कॉमन है। क्या दो बातें कॉमन है? पहली बात, वो मेहनती होते हैं, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो किसी तरह के एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हो, चाहे वो बड़े बड़े डॉक्टर्स हो, उनकी पहली क्वालिटी होती है वो मेहनती होते हैं। बोले यस सर। वो 12 से 14 घंटे काम करते हैं, निरंतर काम करते हैं, खुश होकर करते हैं, नाराज होकर नहीं करते। कई बच्चे मैं यहाँ पीछे देख रहा हूँ, हंसते ही छोड़ देते हैं, कोटा आ जाते हैं, तो उन्हें लगता है कोटा आ गया हूं, अब मेरे पे पढ़ाई का बहुत बोझ है, अब मैं नहीं हंसूंगा। इंटेलिजेंसी का और हंसने का नाता वो अलग अलग समझते हैं कि मैं क्यों हंसू, मैं तो इंटेलिजेंट हूं। ऐसा कोई फंडा नहीं है। मुस्कुरा के पढ़ना है, बोझ नहीं लेना है। अगर 11th के बच्चे हो तो 2 साल निकालने हैं यहाँ पे, और 2 साल 14 से 15 घंटे अगर पढ़ना है तो बिना मुस्कुराए पढ़ना संभव नहीं है। अरे भाई ये सुनो, जितने भी अध्यापकों से मिल रहे हो ना, मुस्कुरा के मिलोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको समस्याएं नहीं आएगी, पर समस्याओं को सोचना नहीं। आपने बात सुनी कि बहुत कॉमन बात है कि आप भरा हुआ ग्लास आधे घंटे तक पकड़े रखो, 1 घंटे तक पकड़े रखो, तो क्या हाथ दर्द होने लगता है? अरे ये सुनो, अगर पानी के ग्लास को उठा के थोड़ी देर पकड़ो, कुछ नहीं होगा। आधे घंटे पकड़े रखो, क्या हाथ दर्द होने लगता है? अगर कुछ 4 घंटे पकड़े रखो तो बहुत दर्द होने लगता है। मैक्सिमम बच्चे समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, मेरे नंबर नहीं आ रहे, 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 मेरे नंबर नहीं आ रहे। वो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं लगातार। वो ये नहीं सोचते कि मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, इस बारे में मुझे ध्यान देना चाहिए। किसने खूब कहा है कि अगर समस्याओं के बारे में सोचोगे तो बहाने ढूंढोगे, समस्याओं के बारे में सोचोगे तो बहाने ढूंढोगे, और समाधान के बारे में सोचोगे तो रास्ते ढूंढोगे। तो बताओ, तुम समस्या के बारे में सोचोगे, समाधान के बारे में सोचोगे? समाधान के बारे में, समाधान के बारे में, समाधान के बारे में। कई बच्चे क्या डिस्ट्रक्टेड रहते हैं, कई बच्चे बहुत डिस्ट्रक्टेड।